वी आर बैक टू अनदर ब्लॉग और ये ब्लॉग है हमारा फटीबा ब्लॉग। और ये ब्लॉग्स लोग तो मतलब मैंने सोचा था हाफ सेंचुरी में बनाऊंगा ब्लॉग जब 50 हमारे ब्लॉग्स हो जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा अभी 50 में तो 10 ब्लॉग ये भी बाकी है तो हम लोग 40 में पहले करते हैं फिर 50 में भी अपन करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ हमारी शुरुआत कैसे हुई, कैसे हम किसका आइडिया था कि कैसे ब्लॉग बना रहे और 85 सब्सक्राइबर्स हो गए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की वजह से। और ये मैं आपको बताऊंगा कि शुरू से स्टोरी बताऊंगा किसने आइडिया देता है हमें ये चैनल बनाने का और ब्लॉगिंग करने का। तो वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉगिंग का आइडिया मुझे समद भाई ने दिया था। समद भाई ने शुरू में मेरे को इतना शौक़ नहीं था पर यूट्यूब पर ब्लॉगिंग श्लॉगिंग करना, मेरा शौक़ था गेमिंग का शौक़ था। लेकिन समद ने बोला यार ब्लॉग बनाया तू, ब्लॉगिंग अच्छी करेगा तो ब्लॉग बना। शुरू में हमारे पास कोई आइडिया नहीं था, शुरू का ब्लॉग ये था और सेकेंड ब्लॉग हमारा ये था। लेकिन मेरे को तो बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ब्लॉग क्या करना होता है, क्या कंसेप्ट होता है। हमारा फर्स्ट ब्लॉग बनाया था मैं छत पे, लेकिन मैंने बोला है छत वाला ब्लॉग बिल्कुल बेकार वाला है तो वो ब्लॉग हम नहीं डालते। तो इस वजह से फिर हमने ब्लॉग डाला ये वाला ब्लॉग। डालने के बाद माशाल्लाह से व्यूज़ आ गए थे 21 आवर्स में, आई थिंक 34 के 35 व्यूज़ आ गए, क्योंकि अब पहला वीडियोज़ था तो इतना चलता है कि इतने लिए मेरे बहुत काफ़ी था और ये मेरे को बहुत प्रमोशन मिल गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। समद ने बोला फिर यार बना तू बना। समद एक हफ्ता जब मेरे रुकने आया था 4 महीने पहले, जब मैं माँ सदम भाई के घर गया था मिलने, तब ये मेरे रुकने आया था, उसको बहुत मिलने का शौक बना, मतलब कॉन्टेंट भी मिल जाएगा तो चलते उनके पास। तो हम गए थे तीसरे ब्लॉग में, हम गए थे माँ सदम भाई के घर, माँ से मिले हम और हमें बहुत उधर से व्यूज़ आए। तो उधर से लोगों ने थैंक यू सपोर्ट किया, जो जो वीडियोस देख रहे हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसके बाद हमारी आता है फोर्थ ब्लॉग, ये देखने के बाद इसमें भी व्यूज़ बढ़े। फिर समझ भाई ने बोला लगे हो, लेकिन फिर मेरी पढ़ाई भी थी, पढ़ाई मेरे को करनी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है और ये ट्यूशन भी है, मेरा मदरसा भी है। फिर भी मैंने टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ब्लॉग्स बनाए। ब्लॉग्स बनाते बनाते हमारे 40 ब्लॉग्स कंप्लीट हो गए। मैंने सोचा था 50 ब्लॉग्स में बनाऊंगा, लेकिन 50 ब्लॉग्स से अभी भी 10 ब्लॉग्स बाकी है। तो पहले वाला सोचो 40 ब्लॉग्स भी कम कर देते हैं, 50 ब्लॉग्स की भी हम सेलिब्रेट करेंगे। और ये स्टोरी बहुत हमारी अमेजिंग स्टोरी थी कि समद भाई जो भी है, समद भाई की वजह से हम कुछ है, क्योंकि समद भाई भाई है हर हमारे। और उनकी भी उन्होंने फिर हमें, ये फिफ्थ व्लॉग था हमारा। इसके बाद फिर हमारी बात हुई थी कि हम लोग तू एडिटिंग करेगा व्लॉग भी तू ही बनाएगा, वो हमारा थंबनेल बना के देते, उससे बोला था 2-3 क्लिप में मैं बना लूँगा लेकिन ज़्यादा तो व्लॉग तुम ही बनाओगे। तो थैंक यू यार सपोर्ट और इसके अलहमदिल्ला 85 से डर। मेरे को इतना आइडिया नहीं था जब मैंने फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट किया था ना, इतना आइडिया नहीं था कि फोर्थ टू फाइव में हम 85 पे पहुंच जाएंगे। इतने हम लोगों ने गेन कर लिए थे और जब भी मैं कोई रास्ते से गुजर रहा था एक ना एक दो सब्सक्राइबर्स मिलता है मुझे, ये आप लोग की वजह से ही है। और हाँ एक और बात करनी थी यार, समद भाई का जो चैनल है ना वो डिलीट हो गया परमानेंटली, उन्होंने पता नहीं क्या हो गया तो उनके चैनल से तो वो डिलीट हो गया। तो उन्होंने एक नया चैनल बनाया, उस चैनल पे भी जाके आप प्यार करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइबर्स हमारे जल्दी से जल्द 100 पहुँचाए, 15 सब्सक्राइबर्स रह गए, जल्दी से 100 पहुँचाए। और बस मुझे तो एडिटिंग का भी आइडिया नहीं था कि एडिटिंग कैसे होती है, ब्लॉग की एडिटिंग कैसे होती है, जो बिल्कुल आइडिया नहीं था। समझ में बोला यार तू करेगा, तू ही हर चीज़ करेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। तो एडिटिंग भी मैं सीख गया, मेरा वाटर मार्क भी आता देख सकते हो, वाटर मार्क भी हट चुका है। थैंक यू समद भाई सब कुछ है मेरे लिए। मेरे पेरेंट्स ने भी बोला था कि आप कैसे करोगे ये ब्लॉगिंग श्लॉगिंग, मेरे पेरेंट्स को भी बताया हुआ है। तो उन्होंने बोला पढ़ाई भी कर लेना, पढ़ाई भी ज़रूरी है जी, सब कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। तब तो अब वीकली ब्लॉग डालना क्योंकि मेरा डेली नहीं हो सकता। तो यही थी, मेरा सोने का टाइम हो गया है तो मैं मिलता आपको सुबह, क्योंकि मेरे स्कूल है और मेरे को 7 PM पे उठना पड़ता है। तो गाइस अभी सुबह हो चुकी है क्योंकि अभी धीरे बोला सब सो रहे, तो
मैं अभी जा रहा हूँ स्कूल, मैं मिलता आपको, नहीं स्कूल से मिलता नहीं, इस फिल्म को यहाँ भी हम लोग एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आएगी, तो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।